हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बाय बिफोर ब्रेकआउट के सीरीज में आज ऐसा शेयर है जिसमें आज अपर सर्किट लगा हुआ है और अगर सोमवार को भी अपर सर्किट लगा तो इसमें हो जाएगा ब्रेकआउट और उसके बाद में ये शेयर और भी ऊपर जा सकता है। तो आप इस शेयर को मंडे को बाय कर सकते हो जो कि ब्रेकआउट के वर्ज पर रहेगा या ब्रेकआउट होते हुए आपको मिलेगा। तो आने वाले दिनों में ये शेयर और भी ऊपर जा सकता है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी का रिजल्ट भी धमाकेदार आया था। ये कंपनी सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि मेनली ब्रोकिंग एंड स्टॉक मार्केट के सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। जैसे कि इनके क्लाइंट्स हैं मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज, MCX, ऐसे काफ़ी कंपनियों के लिए ये ट्रेडिंग के और स्टॉक मार्केट के सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि काफ़ी क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट काम है। इसका आज का रेट था 348 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 361 रुपीज़। मतलब अगर मंडे को भी इसमें अपर सर्किट लगता है तो हो जाएगा ब्रेकआउट और कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। पी ओनली 12 का है, EPS है 26 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0, कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग है 46%, FII का होल्डिंग है 8% और DII का होल्डिंग है 0.12%। कंपनी के रिजल्ट धमाकेदार आए थे। सितंबर 22 में कंपनी को लॉस था 14 करोड़ का, जून 23 में प्रॉफिट में आ गई कंपनी, 37 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी सितंबर 23 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 80 करोड़ का। आप सोचिए ईयर ऑन ईयर तो कई गुना बढ़ा है बट क्वार्टर क्वार्टर डबल हो चुका है प्रॉफिट। कंपनी का नाम है 63 मून टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 63 मून MOON मून टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का नाम है जिसमें अभी ब्रेकआउट पे है ये शेयर और इसमें एमओ ऑर्डर बाइंग के लिए लगी हुई है 20,000 शेयर्स की क्योंकि आज इसमें अपर सर्किट लगा था और अभी भी एमओ ऑर्डर लगी हुई है। तो मंडे को इसमें अपर सर्किट लगेगा तो हो जाएगा ब्रेकआउट और आने वाले दिनों में ये 361 को क्रॉस करके हो सकता है 450-500 रुपीज़ तक भी चला जाए। तो आप इस कंपनी को स्टडी करके बिफोर ब्रेकआउट बाय करने के बारे में ज़रूर सोच सकते हो जिसके कंपनी डेट फ्री है और रिजल्ट धमाकेदार आए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।